और आज के बाद कभी ऐसी हरकत करते हुए देखा ना तो उठक बैठक नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। भाई रेवा दे, हम तारो भाई नथी, मेरी बहन ऐसा काम नहीं करती, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, चल चल उठक बैठक। दूर रहे, हट रहे, मत कर, मत चले, हाथ उठाता है मुझ पे, मारो, हाथ उठाता है मुझ पे, मारो, हाथ उठाता है, हाथ उठाता मुझ पे, हाथ उठाता, मारो, चले, मारो, ए सू चले गया, हाँ, मार दे, हाँ, हाँ, क्या हो रहा है, हाँ, तुम हो क्या? बहुत नाटक बढ़ गया तुम्हारा, अहमदाबाद को का बाप का माल समझ के रखा है क्या? कभी भी कहीं भी घुस के दादागिरी कर लेते हो, हाँ? चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो इनको भी लो, चोइले छोड़ूंगा नहीं, हाँ चल 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 आइए थी, चल बॉडी से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हाथ पर मार्क है लेकिन घड़ी नहीं पहनी, लगता है रेगुलर बेल्ट वाली घड़ी पहनता था। एक काम करो, इस टैटू की फोटो खींचो और पता करो ये किसने बनाया, अब इस टैटू से इसकी पहचान हो सकती है। सर ये विकी है, उस लड़के के हाथ पे वो टैटू इसी ने बनाया था। जी सर, वो टैटू मैंने ही बनाया था। संभाल गया यार, कीमती घड़ी है। सॉरी सर। कीमती घड़ी थी क्या? नहीं सर, देखने में तो नॉर्मल ही लग रही थी, पर उस पर लिखा था शाह गिफ्ट शॉप पालड़ी। बोल साहब जी, शू देखाड़ू? सर वो घड़ी भी सेम ऐसी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसी घड़ी आपने कितनों को बेची है? सर बेची नहीं सर, मैंने अपने वर्कर को गिफ्ट दी थी न्यूयॉर्क में। ये लड़का यहाँ पे काम करता था? नहीं सर। आपके यहाँ कितने वर्कर्स काम करते हैं? सर टोटल 5 वर्कर काम करते हैं, लेकिन 2 आज आए नहीं है, और सब एक लड़की है अन्नू, वो भी 3 दिन से नहीं आई है।
अनु का नंबर दीजिए। हाँ सर। सर नंबर बंद आ रहा है। अनु को भी ये घड़ी गिफ्ट की थी क्या? हाँ सर, इनफैक्ट उसने स्पेशली जेंट्स घड़ी ली थी। क्यों? पता नहीं सर, हो सकता है शायद घर में किसी को देनी हो। अनु का एड्रेस दीजिए। साहब, कहाँ है मेरी अनु? मिल गई क्या? साहब, हमारी बेटी अनु 3 दिन से घर नहीं आई है। मैंने नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म भी किया था। उसने ऐसा पहले कभी किया है? घर से भाग गई हो? साहब, ऐसा कभी नहीं किया। वो तो काम पर भी हमेशा अपने काका रमन के साथ ही जाती थी। वो शाम को इन्हीं के साथ आती थी। और साहब, 3 दिन पहले जब मैं दुकान पर उसे लेने गया तो पता चला कि वो वहां से जा चुकी है। मुझे लगा घर पहुंच गई होगी। जब यहाँ कर देखा तो यहाँ पर भी नहीं पहुंची थी। इस लड़के को जानते हैं आप लोग? इसका मर्डर हुआ है। इसके हाथ पर आपकी बेटी के नाम का टैटू था। क्या आप लोग जानते हैं अन्नू का इसके साथ अफेयर था? हमें नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है आपकी बेटी के गायब होने का और इस लड़के के मर्डर का कोई संबंध हो। हमें आपकी बेटी का फोटो चाहिए। ओके, ठीक है सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हो सकता है इस लड़के की किसी के साथ जाति दुश्मनी या फिर उसे मारने के लिए किसी को हायर किया गया। एक काम करो, अनु के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाओ। प्यार बहुत गहरा मतलब होता है इस एक शब्द का। ये इंसान के जीने की सबसे बड़ी जरूरत होता है। हर इंसानी रिश्ता, चाहे वो माँ का अपने बच्चे से हो, भाई का बहन से, या फिर दोस्ती का ही क्यों ना हो, इसी प्यार की डोर से बंधा होता है। लेकिन जब यही प्यार एक जवान लड़के और लड़की के बीच में होता है तो समाज का उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। उनके परिवार के लोगों से लेकर अनजान लोग तक, जिनका इन प्यार करने वालों से कोई सीधा संबंध तक नहीं होता, वो भी उनके दुश्मन बन जाते हैं। अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में एक जवान लड़के की लाश मिली थी जिसकी हत्या की गई थी। उसकी अपनी पहचान अब तक पुलिस के सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके हाथ पर एक लड़की का नाम गुदा हुआ था जिससे वो शायद प्यार करता था। लेकिन ये लड़की जिसका नाम अन्नू था, वो खुद अपने घर से गायब थी और उसके घर वालों का कहना था कि ना तो वो उस लड़के को पहचानते हैं और ना ही उन्हें अन्नू और उस लड़के के बीच में किसी भी तरह के संबंध की कोई जानकारी है। बहुत से सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने थे, लेकिन इस वक्त जो 2 अहम सवाल थे वो ये कि क्या अन्नू के गायब होने में और इस लड़के की हत्या में कोई संबंध था, और ये लड़की अन्नू वो इस वक्त कहाँ थी। और इन 2 सबसे अहम सवालों के जवाब जुड़े थे उस लड़के की पहचान से जिसकी लाश पुलिस को बरामद हुई थी। आखिर कौन था ये लड़का, क्या थी उसकी पहचान और क्या था उसका नाम? सर, अनु के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर से बहुत ज्यादा बात करती थी। वो नंबर उसी लड़के का है जिसका मर्डर हुआ है। नाम नीलेश परमार। ये नीलेश परमार की आईडी है जो हमने मोबाइल कंपनी से निकलवाई। इस पर का फोटो और ये डेड बॉडी दोनों मैच करती है। पर सर, इन दोनों के नंबर 15 मार्च शाम 7 बजे से स्विच्ड ऑफ है। नीलेश परमार का घर यही है? जी हाँ, नीलेश मेरा ही बेटा है। क्या बात है? आपके बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया है। नीलेश 2 दिन से घर नहीं आया था। मुझे लगा वो अपने दोस्तों के घर पे रुक गया होगा। उसके बहुत दोस्त हैं। मैंने उसे फोन भी किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो अपनी नौकरी के कारण बहुत परेशान था साहब। इस लड़की को जानती हैं आप? हाँ, और कुछ हूँ जरूर। इसी लड़की के कारण मेरे बेटे की मौत हुई होगी। उसके भाई ने ही मारा होगा मेरे बेटे को। इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं आप? अरे बेटा, चिंता शु करे छे, मिल जाएगी नौकरी। हाँ, परेशान क्यों हो रहा है? खाना खा ले ठीक से, चल ले एक और लोटे। रुक, मैं देखती हूँ। नीलेश कहाँ है? क्या बात है?
अरे नहीं, मेरी बहन को क्या आता है? अरे मां जी, क्या कर रहा है मेरे बेटे को? क्या कर रहा है भाई? मेरी बात सुनो, क्या सुनो तेरी बात, क्या सुनो तेरी बात? अरे ये क्या गुंडा करती है? नहीं कर रहे हो तो मैं तेरे साथ करूंगा। ये क्या गुंडा करती है? गुंडा करती, गुंडा तो ये बन रहा है। क्या बोला तू मेरी बहन को? क्या बोला तू मेरी बहन को कि तुम दोनों बालिग हो? पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते तुम्हें शादी करने से। ये नाम ना तेरे हाथ और तेरे दिल दिमाग से नहीं मिटाना, तुझे मिटा दूंगा। मार डाला मेरे बेटे को, मार डाला। मैंने उसे कहा था इस लड़की से दूर रहे, लेकिन लेकिन वो हम सबसे ही दूर चला गया। हाँ सर, ये सच है कि मैं नीलेश के घर गया था, क्योंकि मैंने अनु और नीलेश को एक साथ देखा था, और उसी के बाद मैं नीलेश के घर गया उसको समझाने। समझाने या धमकाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात आप सब लोग जानते थे? नहीं सर, हमें तो उस दिन पता चला जिस रात अनु घर नहीं आई। आ जाएगी अनु माँ। कब आएगी? क्या हुआ? अनु अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। रमन भाई गए थे देखने दुकान पर उसे, लेकिन वो निकल चुकी थी वहां से। मैंने दीपक को भेजा है अभी। अनु का कुछ पता चला? कहीं नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। वो मिलेगी नहीं मतलब? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो उस लड़के नीलेश के साथ भाग चुकी है। मैंने उन दोनों को साथ में भी देखा था। अरे तो उसी समय क्यों नहीं मार दिया उस हरामी को? आंसू करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अनु का पता? अरे तू चुप कर, तेरी वजह से सब कुछ हुआ। और करा अपनी लाडली से नौकरी, नाक कटवा दी ना उसने हमारी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। चुप करे, आज के बाद इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। मर गई वो हमारे लिए। शुद्ध कर दिया उसने हमारे कुल को। क्या हुआ रमन भाई? अनु अभी तक घर नहीं आई, काहे खबर नहीं क्या चली गई है। हो सकता है किसी सहेली के घर गई हो या किसी प्रॉब्लम में हो। अरे काका, अगर ऐसी कोई बात है तो उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? अरे फोन बंद का मतलब ये तो नहीं है कि वो चली गई किसी के साथ या भाग गई। दीपक आ मेरे साथ, हम देखते हैं। सुनिए ना, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। खबरदार जो पुलिस में गई तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर यही बात है तो हमसे क्यों छुपाई? छुपाते नहीं तो क्या करते? लड़की का मामला है, आस पड़ोस और बिरादरी में हमारी तो नाक कट जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए नीलेश को मारकर लड़की को कहीं छुपा दिया? अगर मारना होता ना तो दोनों को मार देते। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। अनु के घर वालों के रवैये से साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ को छोड़कर किसी को भी ना तो उसके गायब होने का दुख था और ना ही उसे ढूंढने की फिक्र। एक सामान्य परिवार का अपनी ही बेटी को लेकर इस तरह का रवैया रखना बहुत असामान्य था। तो क्या अन्नू का परिवार पुलिस से कुछ छिपा रहा था? पुलिस को भी शायद इस बात का एहसास हो चुका था, इसलिए अन्नू की गुमशुदगी को लेकर उनका पहला शक उसके परिवार पर ही था। और ये कोई गलत और बेवजह नहीं था, क्योंकि परिवार के सम्मान को लेकर प्रेमियों की हत्याएं कोई नई बात नहीं है। कौन हो सकता था वो जिसे नीलेश और अन्नू से इस हद तक नफरत थी कि उसने नीलेश की जान ले ली? और अन्नू कहां? क्या वो जिंदा थी या उसकी भी नीलेश की तरह हत्या हो चुकी थी? सर, मुझे कुछ कहना है। सर, वो नीलेश और अनु अक्सर पार्क में ही मिला करते थे। वो कुछ दिनों पहले युवा मोर्चा के नेता जितेश ने जाकर वहां पे सबको धमकाया था। तारो भाई न थे, मेरी बहन ऐसा काम नहीं करते। छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? सर, उस रात अनु बहुत डरे हुए थे। जब मैंने अनु से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे नीलेश की फिक्र है और पाक वाली सारी बात बताई। देखिए सर, हमारे मंच ने समाज के बच्चों को सुधारने का अभियान चलाया है। वो लड़का भी पार्क में गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन वो उल्टे हमें ही धमकाने लगा। और उसी घटना के दो दिन बाद लड़के का मर्डर हो गया और लड़की गायब। तो आपको लगता है कि ये सब हमने किया? हाँ, पार्क में उसके साथ कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहे तो आप हमारी पार्टी ऑफिस में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। गोयल, कोई तो ऐसी कड़ी है जो अभी हमारे हाथ नहीं लगी।
नीलेश और अनु दोनों के मोहल्ले और आसपास के एरिया में जाके उनके बारे में पता करो। हाँ सर, ये तो नीलेश है, यहाँ पास में ही रहता है, दिन भर आवारा अतुल के साथ घूमता रहता है। लेकिन आजकल इन दोनों के बीच में है ना बातचीत बंद है सर। क्यों? किसी लड़की की वजह से झगड़ा हुआ है सर। ये अतुल का रहता है, तुम जानते हो? जी सर। हाँ तो बोल अतुल, तूने नीलेश को क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा उसे, वो तो मेरा दोस्त था। तो उसके साथ बातचीत बंद क्यों हो गई तेरी? सर लड़की की वजह से। झगड़ा क्यों हुआ था? सर अनु मुझे फ्रेंडबुक पे मिली थी और जब मुझे लगा दोस्ती अच्छी हो गई तो मैंने उसे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। मैं आज तेरा भाई बहुत खुश है, बहुत मुश्किल से सेट हुई है। दो हफ्ते से लगा पड़ा था, अब जाके डेट के लिए रेडी हुई है। मैं तो सीधी सादी लगती है। अबे जैसे भी हो, अपना काम बनता पहाड़ में जाया जानता, फिर कोई दूसरी हो। अब ऐसे भी फ्रेंड्स बुक जिंदाबाद। अबे चल 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 चल, वो आ गई। जॉब कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पर सैलरी बहुत कम है, तो चेंज करना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी अच्छे से जॉब लगवा दूंगा। अतुल ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे। मेरे पास गाड़ी भी है, आई थिंक तुम गाड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल हो। अतुल तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे चलना। अरे बैठो, इसमें गलत क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच तो ये सब चलता है ना। और वैसे मैं क्या कहता हूँ, ये क्या बदतमीजी है? ए, फ्रेंड्स के चैटिंग करते वक्त तुझे शर्म नहीं आती? अब तो ये नाटक कर रही है। और वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं मैं, समझी? ये क्या कर रहे हो? अतुल दुपट्टा वापस कर उसका। क्या कहा तूने? मैंने कहा उसका दुपट्टा दे और उसे जाने दे। ओए क्यों इतना सेंटी हो रहा है? दुपट्टा दे। अबे साले तूने मुझे मारा, तेरी तो। चलिए मैं आपको छोड़ दे। बदला लेने के लिए तूने नीलेश को मार डाला और लड़की को गायब कर दिया। नहीं सर मैंने नहीं मारा उसे। सबने सुना है तूने उसे धमकी दी थी। हाँ सर मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन इसलिए कि वो मेरे एरिया में आके मुझे ही मार के चला गया। पर प्लीज सर आप मेरी बात को समझो, तो मैंने उसे नहीं मारा सर। सर हमारे आदमी अतुल पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके साइड से कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। सर मुझे नहीं लगता कि अतुल इस मर्डर में इन्वॉल्व। तो एक काम करो, शाह गिफ्ट शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकालो, हो सकता है उसी में से कुछ सुराग मिल जाए। ये हो सकता था कि नीलेश के हाथों हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अतुल ने इस जुर्म को अंजाम दिया। लेकिन अतुल और इस एंगल की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को ना तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला और ना ही उसे अपने शक के घेरे में रखने की कोई वजह। जांच फिर से उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना पूरा ध्यान शाह गिफ्ट शॉप की तरफ लगाना शुरू किया जहां अन्नू काम करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें कोई सुराग या कोई इशारा जरूर मिलेगा जिसका सहारा लेकर वो अपनी जांच की दिशा तय कर पाएंगे। और टीम की बेचैनी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अन्नू का भी वही हश्र हो जो नीलेश का हुआ। अन्नू अगर जिंदा थी तो पुलिस की पहली प्राथमिकता थी उसे सुरक्षित वापस लाना, क्योंकि अब तक मिली जानकारी और एक के बाद एक सामने आते दुश्मनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया इस जोड़े की दुश्मन बन गई है। और पुलिस ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उनका कोई दुश्मन नीलेश के बाद अन्नू के साथ भी अपनी दुश्मनी निभाने में कामयाब हो जाए, इसलिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अन्नू को ढूंढने में। सर अन्नू अपने चाचा रमन के साथ स्टोर आती जाती थी, वो रोज सुबह 10:30 बजे स्टोर पहुंचती और शाम को 8 बजे वहां से निकलती थी। सर ये देखिए, तो 9 से 11 मार्च के बीच वो स्टोर आई तो अपने चाचा रमन के साथ, लेकिन गई अकेले।
सर ये रहा 15 मार्च का फुटेज। सर ये प्रिया है, स्टोर में काम करने वाली दूसरी लड़की। सर उस दिन अनु स्टोर से 6 बजे निकल गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। उस दिन ये लड़की इतनी जल्दी निकली और घर नहीं पहुंची, तो फिर ये गई कहाँ? जी हाँ सर, अनु हमेशा अपने अंकल रमन के साथ ही आया जाया करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अकेले आने जाने लगी थी। प्रिया बाय। सुनना, हाँ तो ऐसे कहाँ जा रही है? तेरे अंकल आने वाले होंगे ना तुझे लेने के लिए, तो तू उन्हीं के साथ आती जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे अंकल के लिए आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है, और उनको भी मेरे लिए अपना काम छोड़ के आना पड़ता है। वैसे भी मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, अकेले जा सकती हूँ। पक्का ना? तू भी ना। चल बाय। ठीक बाय। इसके अलावा तुम्हें कभी कुछ लगा कि और भी कोई वजह हो सकती है? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होगा तो रमन अंकल जानते होंगे। जैसा कि आप कह रहे थे कि अनु रोज आपके साथ आया जाया करती थी, तो फिर उसने आपके साथ आना जाना बंद क्यों कर दिया? सर पता नहीं, यही बात तो मैंने भी उससे पूछी। वो आजकल अकेली को चली जाती है शाम को दुकान से। जवाब क्यों नहीं देती है? क्यों आती है तू अकेली? क्योंकि मुझे काका के लिए बहुत देर तक रुकना पड़ता है, और वैसे भी अगर मैं अकेली आ गई तो कोई खा जाएगा क्या मुझे? अब तो सब पता चल गया सर, उस नीलेश की वजह से ही वो अकेली आने जाने लगी थी। ठीक है, आप जा सकते। जी सर, कहीं से भी कोई लीड नहीं मिल रही है। मुझे लगता है ये अनु के परिवार में कोई राज छुपा हुआ है, सब लोग कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, सबकी जन्म कुंडली निकालो, सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, देखे तो सही क्या निकलता है। सच की खोज बहुत मुश्किल होती है, कई बार सच सामने होता है लेकिन उसे पहचान पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ठीक ऐसा ही इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ हो रहा था। नीलेश के कत्ल को और अनु को गायब हुए काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अब तक इस केस की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई थी। कुछ था जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, या कोई था जो उनसे कुछ छुपा रहा था। अनु के घर वालों पर अपने शक को जांचने के लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम ने हर एक के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने का फैसला किया। क्या इन रिकॉर्ड्स से पुलिस को कुछ ऐसा मिल पाएगा जो इस केस को सुलझाने में उनकी मदद करेगा, या फिर पुलिस की पिछली कोशिशों की तरह ये कोशिश भी जाया हो जाएगी? सर, नीलेश अनु और जितेश के साथ साथ नीलेश और अनु की पूरी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर एक चौंका देने वाली बात, ये नीलेश और अनु की बहन राधिका इनमें अक्सर बातचीत हुआ करती, और कई बार इन तीनों की मोबाइल लोकेशन भी सेम रही है। सर इसे एक बात साफ है कि राधिका नीलेश और अतुल के रिलेशनशिप के बारे में पहले से जानती है। अब ये बताइए कि आपके नीलेश के साथ जान पहचान कब? अनु ने ही मिलवाया था। लेकिन सर मैंने महसूस किया था नीलेश मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा था, मैं बहुत खुश रहने लगी थी उसके साथ। उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी, जब उसने मुझे वैलेंटाइन डे के दिन बुलाया तो मैंने सोचा अपने दिल की सारी बातें उससे कह दूंगी, लेकिन जब उसने मुझे टैटू दिखाया तो बड़ी बहन मैं थी, लेकिन अनु, अनु सबकी लाडली थी, खूबसूरत थी ना, बचपन से लेकर आज तक सारी चीजें उसके लिए छोड़ते आई थी, लेकिन जब नीलेश मेरी जिंदगी में आया तो मैंने तो अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली थी। बहुत खुश रहने लगी थी सर मैं, जिस दिन मुझे नीलेश और अनु के बारे में पता चला ऐसा लगा कि अनु ने अपनी खूबसूरती से नीलेश को भी मुझसे छीन लिया। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि नीलेश और अनु को मैं कभी एक नहीं होने दूंगी। इसीलिए तुमने नीलेश को मरवा दिया? नहीं सर, मैं नीलेश से प्यार करती थी, भला मैं उसे कैसे मरवा सकती हूँ? सर मैं जानती थी कि मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों के बारे में दीपक भाई को बताया। लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, नीलेश के खून से या अनु के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते, आपकी एक तरफा मोहब्बत का पता चली गया है तो बाकी का भी हम ढूंढ ही लेंगे। इस केस में पुलिस के शक के दायरे में हर वो इंसान था जो किसी भी तरह से अनु या नीलेश से जुड़ा हुआ था,
लेकिन एक भी सबूत नहीं था जो उनके शक को यकीन में बदल सके। इस केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। अन्नू की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और वहीं गुजरते हुए हर पल के साथ अन्नू की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था। इस बात का अंदाजा पुलिस को भी था, इसलिए अपनी तरफ से अन्नू तक पहुंचने की वो हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक कामयाबी की झलक भी दिखाई नहीं दी थी। क्या पुलिस टीम की मेहनत रंग लाएगी? क्या अन्नू की जान बच पाएगी? या फिर वो छुपा हुआ दुश्मन उसका भी वही हाल करने में कामयाब हो जाएगा जैसा उसने नीलेश के साथ किया था? सर, रतन राठौर है, हिस्ट्री शीटर, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास का रहने वाला। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हिसाब से जिस तरह नीलेश का गला काटा गया था और इसके मर्डर करने की स्टाइल मैच करती है, और इसने इसी तरह से चार मर्डर किए जिनमें से आखिरी दो उसने गुजरात के दो टूरिस्ट के किए थे जो राजस्थान घूमने गए थे। और सर, सबसे बड़ी बात, ये फिलहाल जेल में नहीं है, पैरोल पे बाहर है। गोयल, अभी के अभी राजस्थान पुलिस को कॉन्टैक्ट करो और इसके बारे में पता करने को कहो, फास्ट। मुझे छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ, प्लीज काका। दुकान से जल्दी आने का ये राज है तुम्हारा? काका, एक बार हमारी बात तो सामलो। अनु, मुझे लगता नहीं है कि मोटा भाई इस रिश्ते के लिए मानेंगे। तो जानती हो कि वो जात बिरादरी को बहुत मानते हैं। काका, हम बालिग, कानून हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भाग कर शादी कर लेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे जहां हमें कोई ना ढूंढ पाए, लेकिन हम अपनी जिंदगी जिएंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। शाबाशी दिकरा, बस मैं ये जानना चाहता था कि कहीं तुम पीछे तो नहीं हट जाओगे। वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, जान बचती है मेरी। अब तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले किसी दूसरे शहर में तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दूं, फिर वहां भाग के शादी कर लेना और सेट हो जाना। लेकिन एक शर्त है मेरी, इस दौरान तुम दोनों मिलोगे नहीं एक दूसरे से, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करती, काका के सिर में बहुत दर्द है। कल तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाई थी ना, उसी वजह से सिर पकड़ा के लगता है। मुझे पिक्चर देखनी थी। ठीक है, मैं बाम लगा देती हूँ, फिर हम पिक्चर देखने जाते हैं। हाँ हाँ, लगा भी दे। सुन, तेरी शुद्धि मैंने इसलिए की है ताकि तेरे बदन से मुझे पहले जैसा एहसास मिले।
कमा गड़ी भाई, गड़ी कमा भाई साहब। जरा चाय नाश्ता लगवा दो और पहले ये बिस्किट दे दो। बैठिए छोटू, साहब को चाय बिस्किट दे दे। सर जी, मैं जब भी तुम्हें छूता हूं ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगता है। जी, घिना दी मुझे आप पे, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं तो कैसे कर सकते मेरे साथ। बेटी जैसी हो, बेटी तो नहीं हो ना। ना मेरी आंखें थकती है और ना ही मेरा मन भरता है। हमारे बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम उस नीलेश को ले आई। इग्नोर करने लगी ना मुझे, तुम्हारी छोटी सी भूल की वजह से नीलेश भगवान के पास पहुंच गया और हम इस हालत में। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखूंगा, अपनी रानी बनाकर। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हेलो, हुकुम राणा बोलो, राजस्थान पुलिस। हाँ राणा बोलो, रतन के बारे में कुछ पता चला? इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी अभी रतन को छोटे से ढाबे पे देखा गया है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ए, क्या चाहे दी, बात तो है ना। चल तो स्वाद हम चखा दे। पकड़ा। बोल साले, बोल मर्डर क्यों किया? बोल, बताता हूँ। बोल नीलेश का मर्डर क्यों किया, बोल। साहब हमें सुपारी मिली थी। किसने दी थी सुपारी, बोल। महेंद्र लाया था सुपारी। कौन महेंद्र? वो मेरे गांव का है, वो भी हमारे साथ छोटे मोटे कामों में शामिल रहता है, वही लाया था उन दोनों को। काका अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? वही लोग आ रहे हैं जो हमें राजस्थान ले जाने वाले हैं। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है, अच्छी नौकरी है, तुम दोनों खुश रहोगे। पर काका हम तो 6 बजे से रुके हुए, हम कल सुबह नहीं जा सकते, अभी इतनी रात। अरे नहीं नहीं, सुबह में कोई देख लेगा, रात को हम सेफ है। अरे आ गए, आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो, चल आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 बैठो। काम कहाँ जा रहे हैं? अभी बताता हूँ।
उठा जल्दी जल्दी मगर समय उठा ना लोगों से कुछ काम भी नहीं होता भी नहीं क्या तुम लोगों से इधर ले चलो इधर रख दे रख दे ले 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 घड़ी घड़ी निकाल और कुछ है क्या एक ए हाँ कब निकलो यहाँ से साहब महेंद्र उस लड़की को लेकर कहाँ गया उसके साथ क्या किया मैं कुछ नहीं जानता कहाँ मिलेगा महेंद्र अन्नू कहाँ है साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब मैं तो मिडिल मैन था साहब मुझे कुछ लेना देना नहीं है साहब ना लड़का से ना लड़की से मुझे ना लड़की के चाचा रमन ने मुझे पैसे दिए थे साहब ये सब करने के लिए और उन्होंने ही मुझे नीलेश और अनु से मिलवाया था मैं नीलेश को नौकरी का बहाना देकर दोनों को गाड़ी के पास लाया था अनु कहाँ है दे खाना देकर आया तुम्हारे लिए खा ले आगे राइट सर ये शाम ये उसका घर सब ये घर है ताला तोड़ो ऊपर सांसें चल रही है एम्बुलेंस बुलाओ जी सर तूने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हर रिश्ते हर मर्यादा को पार किया है तूने इससे भी तेरा जी नहीं भरा कि उस मासूम की जान लेनी चाहिए तूने मुझे मारेगी तू मुझे मारेगी तू इतनी हिम्मत मुझे लगा कि वो मर गई है मैं डर गया था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे खींच कर अंदर ले गया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया सर सर लड़की बहुत क्रिटिकल है काफी बार बलात्कार हुआ है डॉक्टर्स का कहना है कि रिकवरी के लिए काफी वक्त लग सकता है तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है जी तो करता है
सब एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां मुंह बोले रिश्तों का भी उतना ही मान रखा जाता है जितना कि सगे रिश्तों का। लेकिन ये भी हमारे ही समाज की एक हकीकत है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें इन रिश्तों को शर्मिंदा करने में ना तो कोई शर्म महसूस होती है और ना ही झिझक। अन्नू को अपने रिश्तों पर आंख बंद करके विश्वास करने की सजा मिली। रमन ने उसके इसी विश्वास का गलत फायदा उठाया। विश्वास हमारे रिश्तों और जीवन दोनों का आधार होता है, लेकिन अगर यही विश्वास आंख और समझ के दरवाजे बंद करके किया जाए तो ये हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है। अपनी आंखें खुली रखें, अपनी समझ का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.